लोग इसके टीजर का वेट कर रहे थे कुछ दिन पहले, कि आ गया था कि जिसका ऑफिशियली टीजर रिलीज होगा, बट फाइव गूस बम्स इन द जवान। नंबर वन किंग ऑफ द बॉलीवुड शाहरुख खान, यही गूस बम बहुत ज्यादा है। नंबर दो संजू बाबा मीन संजय दत्त एंड ए सेतुपति एंटरटेनमेंट। वाह शाहरुख खान इन द जवान, इस तरह की कोई चीज। और इसके अंदर देखा जाए तो वो भोला वाला थोड़ा सा ना मुझे इसके अंदर टच लगा, जय देवगन सर की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इकरा अब्बास कोरिया। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज फर्स्ट डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड गिव योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। तो जी आज जिस वीडियो पे हम लोगों ने बात करनी है उसका नाम है जी जवान। पहले तो आज जैसे आप सबको पता है कि ये मूवी आ रही थी, क्या कहते हैं, नेक्स्ट मंथ इसने मोस्ट प्रोबेबल कहा जा रहा था कि इसने रिलीज होना है। लोग इसके टीजर का वेट कर रहे थे कुछ दिन पहले, क्या आ गया था कि जिसका ऑफिशियली टीजर रिलीज होगा, बट कोई ऑफिशियली टीजर रिलीज नहीं हुआ था। एंड एवरीवन वाज कंफ्यूज कि यार शाहरुख खान इसको क्यों नहीं वो कर रहे, कुछ भी क्यों नहीं कर रहे। तो अभी इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये मूवी जवान जो है इसमें कहा जा रहा है जी शाहरुख खान का डुप्लीकेट रोल होगा, लेकिन एक बाप होगा और एक बेटा होगा। पहले इसका डुप्लीकेट रोल डुप्लीकेट फिल्म के अंदर आया था, उसमें यानी कि दोनों ही खुद ही बने हुए थे, बाप बेटे वाला रोल नहीं था। और दूसरी ये चीज है कि जी ये अटली ने इस फिल्म को बनाना है, और इसके बारे में कहा जा रहा है जवान के बारे में, दे आर द फाइव गूस बम्स इन द जवान। नंबर वन किंग ऑफ द बॉलीवुड शाहरुख खान, यही गूस बम बहुत ज्यादा है। नंबर दो संजू बाबा मीन संजय दत्त एंड ए सेतुपति, ये भी इस मूवी के अंदर होंगे। तीसरा कहा जा रहा है जिसमें तिलापति वीजीए का कैमियो होगा, जैसे आपको पता है कि किसी का भाई किसी की जान में भी कैमियो। उससे पहले इसकी शाहरुख खान की ही पठान से कैमियो का वाला चला, जिसमें सलमान खान का कैमियो इसके साथ था, तो वो बहुत ही अच्छा लोगों ने उसे पसंद किया था। और चौथा जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है जी इसका गूस बम वो है जी नयनतारा एंड दीपिका। और जो फाइव बट नॉट लीस्ट वो है जी अटली सर एंड अनिरुद्ध, अनिरुद्ध बीजीएम, ये कहे जाने के जिसके फाइव गूस बम्स हैं। तो अब चलते हैं इसको देखने के लिए कि इसके इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन रिलीज की है इस मूवी के बारे में। तो चले देखते हैं ये वीडियो, स्टे विद अस। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। वाह शाहरुख खान इन द जवान, रिलीजिंग 7 सितंबर। रिलीज 7 सितंबर 2023। तो जी ये थी जिसकी इंफॉर्मेशन, यानी कि ये इसके अंदर देखा जाए तो ये एक टीजर है जिसके अंदर के उसका क्या किया गया है, एक इसकी रिलीज डेट अनाउंस की गई। आई थिंक ये रिन्यू इन्होंने कर दी है, अब 7 सितंबर 2023 को रिलीज होगी हिंदी तमिल तेलुगु लैंग्वेज के अंदर। और प्लस एक नई सी एक छोटी सी लुक दिखाई गई है जिसमें कि शाहरुख खान आई थिंक त्रिशूल पकड़ के वो आ रहे हैं, इस तरह की कोई चीज। और इसके अंदर देखा जाए तो वो भोला वाला थोड़ा सा ना मुझे इसके अंदर टच लगा, जय देवगन सर की जो फिल्म पीछे आई थी इसके अंदर शाहरुख खान थोड़ा सा वो दिखाया गया है। तो चलें शुक्र है कोई तो इन्फॉर्मेशन आई जवान के बारे में लोगों का, द फाइनली द वेट इज ओवर एंड शाहरुख खान मूवी जवान विल बी रिलीज इन 7 सितंबर। सो इट इज अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों को भी इस इन्फॉर्मेशन का पता चला होगा। और एंड यू ऑल्सो लाइक आवर रिएक्शन, तो अगर तो आपको हमारा ये रिएक्शन पसंद आया देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड एंड गिव अ सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।